आपको सीधे लिए चलते हैं शिमला, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर शायद इससे दोगुना लोग रोड पर खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब सिरमौर आए तो हमारे स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी, उनके घर में हमारी बैठकें हुआ करती थी, हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, बलदेव भंडारी जी, हमारे जगत सिंह नेगी जी, ढेर सारे कार्यकर्ताओं की याद, अनेक अच्छे अनुभव मेरे लिए एक प्रकार से यादों की अमानत है। और सभी के घरों से अस्कली, पटांदे, और सिड़कू और यहां एक होटल ब्लैक मैंगो हुआ करता था। होटल ब्लैक मैंगो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठकें ज्यादातर वहीं पर हुआ करती थी। और जब देश मोदी को जानता नहीं था तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा, अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। और अभी जो आपने मुझे लोहिया पहना है ना, वो उन्होंने यहीं से जाकर के अफगानिस्तान में थोड़ा फैशन डिजाइन करके उन्होंने उसका अपना पहरवेश बना दिया है जी। यानी यही हिमाचल की ताकत है कि जो इतना लगाव रखती है। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मुझे आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है।
और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी, ये हिमाचल में पक्का है। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार। साथियों, हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़कर के नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है, और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया, और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया।
हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करूंगा, तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करें। तो उन्होंने रातों रात अफरा तफरी में बजट में कहा कि हम भी वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह देना कि कोई बात नहीं शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा और बच्चा सो जाए, ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लगाया, 1,25,00,000 करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1,25,00,000 करोड़। ये 500 करोड़ मजाक था कि नहीं था, मजाक था कि नहीं था, फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा था कि नहीं था, फौजियों का अपमान था कि नहीं था। और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला, कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं, आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1,500 रुपया देगी, क्या 1,500 रुपया मिला क्या, मिला क्या, किसी के घर में आया क्या? कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला क्या? जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत, मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियां मिलनी थी ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 साल से आपके बीच रहा हूं,
और शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जब मैंने हिमाचल आकर के इस मिट्टी को माथे पर न चढ़ाया हो। गुजरात में रहा, मुख्यमंत्री रहा, आपसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आपका प्यार, आपके आशीर्वाद को कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे पर आपका कर्ज है और मैं हर मौके की तलाश में होता हूं कि मैं हिमाचल का कर्ज कैसे उतारूं। भाई और बहनों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग, तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ। और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये होता है प्यार, जब नेक दिली से काम होता है, जब न्यायिक काम होता है तो मन उत्साह से भर जाता है, वो दिखता है जी। और ये सारे काम मोदी ने आपका कर्ज उतारने के लिए किए हैं। साथियों, मैं आज हिमाचल के लोगों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की एक और साजिश से भी सावधान करने आया हूं। ये लोग, और मानिए ये चुनाव है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे दिल में एक आग है। ये भारत को तबाह करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं। और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए, यानी देंगे ऐसा नहीं, दे दिए।
और इस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए इस प्रकार का काम क्या मेरे हिमाचल के लोगों को मंजूर है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए ना, क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे, ऐसे विचार को स्वीकार करेंगे? ऐसे लोगों का हर पोलिंग बूथ में सफाया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चुनाव मौका है इनको कहने का, रुक जाओ। ये चुनाव उनको कहने का मौका है, रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। दो दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया, कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मनाही मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ही कांग्रेस राम मंदिर का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस भाजपा वालों का मजाक उड़ाती थी, कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमें रोज चुभने वाली बातें करते थे। हमने तारीख भी बताई, समय भी बताया, लेकिन इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आप हिमाचल के लोग मुझे बताइए, जब राम लला भव्य मंदिर में विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने गांव में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? घर में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? हर हिंदुस्तानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल की लड़ाई, हमारे सभी पूर्वजों को भी खुशी हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनकी सोच है, क्या ये होने देंगे क्या? आप ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, ये चुनाव के दिन 1 तारीख को आपको मजबूती से करना है, करेंगे भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के साथ ही घोर सांप्रदायिक हैं यहां पर, कांग्रेस पर, इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा
वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल शिमला में संबोधित कर रहे थे।